हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ अनोखे तरीके से भिंडी की सब्जी, जिसको कि एक बार आप बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे। लंच बॉक्स रेसिपी, इसके लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम भिंडी ली है और भिंडी को धोकर और ड्राई कर लिया है, कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लिया है। और भिंडी का ऊपर का और नीचे का जो पार्ट है वो हम हटा देंगे चाकू की हेल्प से, और भिंडी के बीच में एक कट लगाएंगे और फिर भिंडी के दूसरे साइड में कट लगाएंगे। और भिंडी को चार भागों में हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो इसी तरह से हम सभी भिंडियों के चार पार्ट कर लेंगे। और भिंडी को ध्यान रखें कि बिल्कुल ड्राई करना है, गीली नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम भिंडी को कट कर लेंगे और चार भाग कर लेंगे। और अब हम भिंडी में कुछ मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, और अब हम टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। ये भिंडी की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप इसे लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं, या कहीं सफ़र कर रहे हों तो इसे ले जा सकते हैं, ख़राब नहीं होती है जल्दी से। और अब हम इसमें दो चम्मच के करीब बेसन ऐड कर देंगे। बेसन यहाँ पर भुना हुआ नहीं है, मैंने कच्चा ही बेसन इसमें ऐड किया है। और सभी मसालों के साथ में भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाला भिंडी पर अच्छे से लग जाए। तो बहुत ही सिंपल है, घर के सिंपल मसालों से ये भिंडी बनकर तैयार होती है। हमें मसाले को अच्छे से मिक्स करना है भिंडी के साथ में, सभी भिंडियों पर मसाला अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। बहुत इजी है इसे बनाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं भिंडी पे मसाला और बेसन अच्छे से कोट हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की ओर और भिंडी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल ऐड किया है। ऑयल गर्म होने पर गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, एकदम लो टू मीडियम करेंगे गैस का फ्लेम, और भिंडियों को ऑयल में ऐड कर देंगे और भिंडी को फ्राई करेंगे। दो मिनट के लिए भिंडी को अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे, चलाते हुए भिंडी को फ्राई करना है, ताकि भिंडी जले नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए। जब भिंडी का कलर एकदम चेंज हो जाएगा तब तक हमें भिंडी को फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं भिंडी का कलर एकदम ग्रीन हो गया है। अब हम भिंडी को थोड़ा और फ्राई करेंगे चलाते हुए, एकदम लो टू मीडियम फ्लेम हमें रखना है। और भिंडी फ्राई हो चुकी हैं, अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और सभी भिंडियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं भिंडी का कलर कितना अच्छा आ गया है, और भिंडी थोड़ी टेंडर भी हो चुकी हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है इस रेसिपी को बनाने के लिए, और ना ही कोई अलग से कोई मसाला लगता है। अब हम कढ़ाई में वापस ऑयल डालेंगे एक चम्मच, और यहाँ पर हमने एक टेबल स्पून जीरा लिया है, 5-7 लहसुन की कलियाँ ली है, उन्हें बारीक कट कर लिया है, 2 हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, और 1 पिंच हींग ली है, और यहाँ पर मैंने एक बड़े प्याज के पीसीस कर लिए हैं और उन्हें कट कर लिया है, थोड़ा बड़ा कट किया है। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें जीरा ऐड करेंगे और हींग ऐड करेंगे। हींग आप भिंडी में ज़रूर डालें, हींग बहुत अच्छी रहती है, खाने में ज़रूर यूज करें। जीरा तड़कने पर हम इसमें लहसुन की कलियां जो हमने चॉप करके रखी हैं वो ऐड कर देंगे, और हल्का सा लहसुन को फ्राई होने देंगे। जब लहसुन अच्छा सा फ्राई हो जाए तो हम प्याज ऐड कर देंगे, और प्याज को सॉफ्ट होने तक हमें फ्राई करना है। ज़्यादा हमें प्याज को फ्राई नहीं करना है, कलर चेंज नहीं करना है, ओनली सॉफ्ट होने तक हमें प्याज को फ्राई करना है। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और हरी मिर्च को भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो हरी मिर्च और प्याज फ्राई हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देंगे।
और प्लेट में बचा हुआ मसाला है जो उसे भी ऐड कर देंगे। और इसे चलाते हुए कुक करेंगे। हमें इस सब्जी को ढकना नहीं है, हमें इसे खुला ही कुक करना है। बिल्कुल हमें ढकना नहीं है, खुला ही हमें इसे बनाना है और खुले में ही ये बनकर रेडी हो जाएगी। बस हमें बीच बीच में चलाते रहना है। मसाले हमने सारे ऐड कर चुके हैं। भिंडी को हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर चलाते हुए कुक करेंगे। वो बहुत ही इजी रेसिपी है, आप बच्चों के लंच में इसे ज़रूर ट्राई करें और बहुत टेस्टी बनती है। 2 की जगह 4 चपाती आप खाने को मजबूर हो जाएंगे। अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार फरमाइशें आएंगी कि उसी तरीके से भिंडी बनाइए, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो हमें इसे कुक करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए आप, भिंडी एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। और अब आप चाहें तो इसमें हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास में आमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू भी ऐड कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच गरम मसाला ज़रूर ऐड करें, क्योंकि चटपटी बनकर तैयार होगी आपकी भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी में मैंने आमचूर और गरम मसाला ऐड कर दिया है और मिक्स कर दिया है, बनकर रेडी है। चलो आप करते हैं इसे सर्व। तो भिंडी की सब्जी तैयार है, आप भी ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही इजी है इस तरीके से भिंडी की सब्जी बनाना। तो भिंडी को मैंने सर्व कर दिया है, आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।